हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे तेल की, जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई पकाना नहीं है, इसको कुछ भी एक्स्ट्रा आयुर्वेदिक हर्ब्स नहीं डालनी है। हमने इसे बहुत ही इजी वे में बनाया है और बहुत ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है। हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, बाल्डनेस, हेयर रीग्रोथ, इन सब की प्रॉब्लम को दूर करेगा। यहाँ तक कि प्री मेच्योर ग्रेइंग, डैंड्रफ, ईची स्कैल्प, इन सब के लिए ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि इसको किस तरह से बनाना है और किस तरह से लगाना है। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल हमने लेना है। कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल मैंने लिया है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट आई यूज़ दिस वन। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच लिए हैं कोकोनट ऑयल। उसके बाद मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यहाँ पे फिगारो का लिया है, सेम आप कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये आपके हेयर और ऑलिव ऑयल आपके डैंड्रफ को ट्रीट करता है, आपके बालों को मॉइस्चर करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके गंजेपन को दूर करता है, हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की बनाता है। कैस्टर ऑयल को आप ज़रूर यूज़ करें, इससे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे नीम ऑयल। नीम ऑयल जो है वो आपके डैंड्रफ, ईची स्कैल्प और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नाउ नीम ऑयल आप चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए ये नीम ऑयल, और अगर नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नीम ऑयल आपको हेल्दी स्कैल्प प्रोवाइड करता है, हेल्दी हेयर देता है, डैंड्रफ को रिमूव करता है। फ्रीजी हेयर है तो उसके लिए ठीक है, अगर आप जुएं हो गई हैं, हेड लाइस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है नीम ऑयल, और साथ ही साथ आपको हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, स्प्लिट एंड्स को कम करता है और आपकी प्री मेच्योर ग्रेइंग को भी कम करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल आपके स्प्लिट एंड्स को कम करता है, साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है बालों को, जिससे कि आपके बाल स्ट्रांग होते हैं। और विटामिन ई स्टिम्युलेट करता है आपकी कैपिलरीज की ग्रोथ को, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो स्कैल्प में इंक्रीज होता है और आपके हेयर ग्रो होते हैं। तो विटामिन ई आपके ब्रेकेज को कम करता है, स्प्लिट एंड्स को कम करता है, साथ ही साथ आपके ग्रे हेयर को भी कम करता है। रोजमेरी ऑयल मैंने यहाँ पे डाला है 10 बूंदें। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मैंने डाला है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके हेयर लॉस की ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग में भी हेल्प करता है। टी ट्री ऑयल आपके हेयर फॉलिक्स को अनक्लॉग करता है, नरिश करता है रूट्स तक, और हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होता है। और इसकी थोड़ी सी ही बूंदें इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि आपके हेयर में अगर डैंड्रफ, ईचीनेस, स्कैल्प में कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन सबको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप इसको किसी भी कंटेनर में भर के रख सकते हैं और इसको जिस तरह से हम ऑयल लगाते हैं वैसे ही लगाना है। आपने जितना अमाउंट यूज़ करना है बाउल में लेना है और अपने बालों में लगाना है, और आपने इसको कम से कम ओवरनाइट रखना है, और अगर आप चाहें तो इसको 1-2 दिन भी रख सकते हैं। और उसके बाद आपने शैम्पू करना है और कंडीशनर यूज़ करना है, और हफ्ते में 2 बार कम से कम इसको लगाना है। कंटिन्यूस यूज़ करने से आपको 2 से 3 महीने में आपके बालों में बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आएगा और आपके हेयर ग्रोथ होगी। इस ऑयल को ज़रूर बनाइएगा और शेयर करिएगा कि आपको ये ऑयल कैसा लगा। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।